ये है एक मल्टी फंक्शनल किचन वेट स्केल और इसकी कीमत है तकरीबन 820 रुपए के आसपास। इस वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आपको इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा, तो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है किचन वेट स्केल। ये इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इसे इंटरनेशनल वेबसाइट से खरीद सकते हैं। डिजिटल किचन स्केल है, बॉक्स पैकिंग इस प्रकार की है। ये मैक्सिमम 10,000 ग्राम्स मतलब कि 10 किलो का वज़न उठा सकता है और जो स्पेसिफिकेशंस है वो बॉक्स के ऊपर आपको डिटेल्स में मिल जाएंगे इस प्रकार से। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो ये छोटा सा बॉक्स पैकिंग है और इसके अंदर आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है। ये देखिए, ये है यूज़र मैनुअल और ये जो कॉन्टेंट है ये इंग्लिश में है, किचन स्केल का यूज़र मैनुअल है। और इसके अलावा आपको एक वेट स्केल मिलता है। ये देखिए, ये है वेट स्केल, इस प्रकार का दिखता है। इसके ऊपर कुछ फिल्म लगा हुआ है। ये जो डिस्प्ले का भाग है यहाँ पर एक फिल्म लगा हुआ है, फैक्ट्री फिल्म। तो सबसे पहले इस फिल्म को मैं निकाल देता हूँ, ये लीजिए। और यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 10,000 ग्राम्स का वेट उठा सकता है, मतलब कि 10 केजी तक का वेट ये हैंडल कर सकता है। वैसे इस वेट स्केल की जो बॉडी है ये प्लास्टिक की बनी हुई है। पीछे लिखा हुआ है कि नॉट फॉर लीगल ट्रेड। और यहाँ पर पीछे देख सकते हैं एक बैटरी कंपार्टमेंट है, इसे मैं खोल देता हूँ। इसके अंदर आपको 3 AAA बैटरीज डालनी पड़ेगी। वैसे बैटरीज साथ में इंक्लूडेड नहीं है और मैंने जो बैटरीज हैं पहले से ही इसमें डाल दिया है, ये देखिए। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, इसकी जो बॉडी है ये प्लास्टिक की बनी हुई है। ये देखिए, नीचे आपको 4 रबर पैडिंग दिए गए हैं सपोर्ट के लिए, इससे अच्छा ग्रिप भी मिल जाता है। लेकिन ये जो ऊपर वाला भाग है जिसके ऊपर देखिए एक फिल्म लगा हुआ है KBE का, तो इस फिल्म को पहले मैं निकाल देता हूँ। ये जो भाग है ऊपर वाला, इस पर स्टेनलेस स्टील मटेरियल का उपयोग किया गया है। ये देखिए, ये जो फिल्म है इसे मैं निकाल देता हूँ, उसके बाद में आपको स्टेनलेस स्टील दिख जाएगा नीचे। ये देखिए, इस प्रकार का है। तो जहाँ पर आप प्रोडक्ट को रखेंगे वेट के लिए, जो भाग है वो स्टेनलेस स्टील का है। उसका फ़ायदा ये है कि ये ड्यूरेबल है, रिलायबल है, आप इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हैं और अच्छा भी लगता है। तो चलिए इस किचन वेट स्केल को मैं स्विच ऑन कर देता हूँ। देख सकते हैं कि 2 बटन्स है, पावर का बटन कुछ देर प्रेस करके होल्ड कीजिए और ये देखिए अब ये ऑन हो गया है। और बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही ये 0 पे आ जाएगा, ये देखिए। और बाय डिफ़ॉल्ट जी दिखा रहा है, मतलब कि ग्राम्स, ये देखिए। ये जो यूनिट बटन है इसे प्रेस करते ही आप ग्राम्स में वज़न कर सकते हैं या फिर लीटर्स में कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, अकॉर्डिंगली आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे ग्राम्स में रखता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, ये जो वेट स्केल है ये मैक्सिमम 10 केजी तक का जो वज़न है उसे हैंडल कर सकता है। इस वेट स्केल को आप फ्लैट सरफेस पे रख दीजिए, ऑन का जो बटन है उसे प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। चलिए इसके ऊपर मैं अपना जो स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी S9 Plus, उसे मैंने रख दिया है। देख सकते हैं वेट है 207 ग्राम के आसपास और ये जो वेट है ये स्मार्टफोन का जो कवर है उसके साथ में है। अब ये मी का पावर बैंक है, इसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ। इसका वज़न है तकरीबन 222 ग्राम्स, ये 10,000 mAh का पावर बैंक है। और चलिए अब मैं एक टोप रख देता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको टोप के अंदर कुछ सामान रखना है, उसका वेट करना है, तो आपको टोप का वेट काउंट नहीं करना है। तो ऐसे सिचुएशंस में ये जो बटन है इसे एक बार प्रेस कीजिए, देखिए अब ये 0 हो गया है टोप के साथ में, मतलब कि अगर आप टोप को हटा देंगे तो आपको जो डिफरेंस है दिख जाएगा। तो ये जो वेट है टोप के साथ में है, 0 दिखा रहा है। अब आप टोप के अंदर जो भी सामान आपको डालना है वो डाल सकते हैं, उसका आपको अकॉर्डिंगली जो वेट है, जो भी सामग्री आप डाल रहे हैं टोप के अंदर, उसका वेट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मैंने ये पैकेज कंटेंट रखा हुआ है इसके ऊपर और यहाँ पर वेट दिखा रहा है 199 ग्राम्स। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके ऊपर जो पैकेज है उस पर लिखा हुआ है 200 ग्राम्स, तो तकरीबन काफ़ी एक्यूरेट है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। वैसे मार्केट में आपको बहुत सारे वेट स्केल मिल जाएंगे, इंडिया में भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको ये वेट स्केल पसंद आ गया, इसका प्राइस पसंद आ गया, तो आप इसे गियर बेस्ड वेबसाइट से खरीद सकते हैं। उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कीमत है $12 प्रायोरिटी लाइन शिपिंग के साथ में। इसके ऊपर आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगने वाली है। $12 मतलब कि 820 रुपये के आसपास। तो ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी इनेबल कर दीजिए और देखते रहिए।